माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी पुरानी होशियारपुर रोड जालंधर में मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर माँ बगलामुखी धाम के संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने बताया कि माँ के दरबार में कोई भी माँ भक्त हवन यज्ञ में शामिल हो सकता है। हर वीरवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एवं हर महीने आखिरी रविवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, इसलिए कोई भी माँ भक्त यहाँ आकर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस हवन यज्ञ में माँ बगलामुखी जी के सेवक विक्रम भसीन परिवार की ओर से बहुत ही सुंदर फूलों की माला अर्पित की गई। इस दौरान एक विशाल ध्वज भी माँ बगलामुखी जी के दरबार में स्थापित किया गया। वहीं मासिक हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। हवन यज्ञ एवं आरती के उपरांत कंचन मदान एवं स्त्री सत्संग सभा द्वारा माँ बगलामुखी जी का गुणगान भी किया गया। वहीं आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर PSPCL के डायरेक्टर गोपाल शर्मा, श्रीकंठ जज, SP हेडक्वार्टर देसराज राणा, संचित सिंह, गुलाब सिंह, नरेश वधवा, ठाकुर बलदेव सिंह, नरेश वर्मा, सुनील जग्गी, राकेश सैनी, मुनीश शर्मा, लवली शर्मा, महेंद्रपाल रोपड़, सुरेंदर बाबा, गुरविंदर कौर, गौरव छाबड़ा, अशोक शर्मा, चंदन शर्मा, रोहित मल्होत्रा, रोहित बाबा, मुनीश बहल, अरुण भाटिया, अनिल शर्मा, गौतम, कमल कुमार, पंडित अविनाश गौतम, पंडित पिंटू शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंदर बाबा की रिपोर्ट। कल गल चल रही थी जिसको आज दा टॉपिक बनया कि बंदा कर्म करदा लगातार अच्छे कर्म करदा पर ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੰਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤੀਸ਼ੋਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वरदान मिले। जय माँ बगलामुखी।